शुक्रवार को मंदसौर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता राम कोटवानी को मंदसौर पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर नगर पालिका के बाहर से उनकी गिरफ्तारी की गई। जानकारी के मुताबिक राम कोटवानी ने अपने दो साथियों रईस और आदिल रंगरेज के साथ मिलकर कोहिनूर कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन करते हुए दोनों को डायरेक्टर बनाया था और खुद पर्दे के पीछे से संचालन कर रहे थे। बैंक की एजेंट मुस्कान गोस्वामी ने बताया कि वह कोहिनूर को ऑपरेटिव बैंक में डेली कलेक्शन एजेंट हैं। उसके करीब 70-80 ग्राहकों के रुपए नहीं लौटाए जा रहे हैं। उसने बताया कि पिछले दिनों संस्था को कोटवानी ने अपने कब्जे में लिया था, तब बताया था कि रुपए वे लौटाएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया। ग्राहकों द्वारा डेली कलेक्शन के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने पर शहर कोतवाली पुलिस ने धारा 420 का मामला दर्ज किया था। मामले में बैंक के दोनों डायरेक्टर रईस और आदिल को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया था, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते राम कोटवानी को बचाया जा रहा था। लेकिन शुक्रवार शाम को कोतवाली पुलिस ने राम कोटवानी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को कोर्ट ने 19 सितंबर दोपहर 12:30 बजे तक रिमांड सौंपा है। गिरफ्तारी के बाद राम कोटवानी को कोर्ट में पेश करने ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि वे बेकसूर हैं, उनकी राजनीतिक हत्या की जा रही है। इसके बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत की कोर्ट में पेश किया गया, जहां खुद को बेगुनाह बताते हुए राम कोटवानी फूट फूट कर रोए। पुलिस ने भी जांच का हवाला देते हुए रिमांड मांगा, जहां कोर्ट ने पुलिस को 4 दिन का रिमांड सौंपा है। वर्तमान में राम कोटवानी मंदसौर के वार्ड 11 से भाजपा पार्षद और सिंधी समाज के अध्यक्ष भी हैं।